दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आप लोगों को आधार कार्ड कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ये मैं आप लोगों को बताया था। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को, अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, यानी कि जब भी आप आधार कार्ड बनवाए होंगे उस समय आप मोबाइल नंबर अगर फॉर्म में फिलअप नहीं किए होंगे तो आपका आधार डाउनलोड नहीं हो सकता। और मैंने उस वीडियो पर यह बताया था कि आप अपने आधार में मोबाइल नंबर को कैसे लिंक कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आप अपने आधार में आपका अपना मोबाइल को कैसे लिंक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना ताकि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वो आपके पास सबसे पहले जाए आपके YouTube के होम पेज पर। तो चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर मैं चला जाता हूं और मैं आप लोगों को पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे आप मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं अपने आधार के साथ, कि आप अपने आधार में अपना मोबाइल नंबर कैसे सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों इस काम को करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है और यहाँ पर आपको UIDAI लिख के सर्च कर देना है। जी आप आधार कार्ड लिख के भी सर्च कर सकते हैं। और सॉरी मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और मैं आप लोगों को सिखाने चल जा रहा हूँ। चलिए मैं डेटा कनेक्ट दे दिया हूँ। तो दोस्तों उसके बाद देखिए UIDAI आपका ऑफिशियल गवर्नमेंट वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको गेट आधार हो गया, अपडेट आधार हो गया और आधार सर्विस हो गया, इस तरह का आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको गेट आधार के ऑप्शन पे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ऑर्डर आधार रीप्रिंट का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, ऑर्डर आधार रीप्रिंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको पेज नज़र आ जाएगा और आपको सिंपल, सॉरी मैं ये मेरा बार बार का ऑप्शन आ रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद नीचे आपको आइएगा तो यहाँ पे आपको कुछ बोल रहा है कि ये सर्विस फ्री नहीं है, इसके लिए आपको 50 रुपये फीस देना पड़ेगा, उसके आपका नोटिफिकेशन बता रहा है। तो आप जिसका भी आधार प्रिंट कर दे रहे हैं उसे आप 100 रुपये वसूल सकते हैं, क्योंकि ये कहीं भी जाएगा तो इसको पैसा देना ही पड़ेगा इसका मोबाइल नंबर सेटअप कराने के लिए। तो यहाँ पर जिस भी आधार में आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक है उस आधार को यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। दोस्तों मैंने अपना आधार नंबर यहाँ पर डायल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कैप्चा का आपको फिलअप करना है, जैसा यहाँ पे लिखा है इसी तरह यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे आपको टिक लगा देना। देखिए यहाँ पे माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालने का आ जाएगा। आप जो मोबाइल लिंक कराना चाहते हैं उस मोबाइल को यहाँ पर आपको सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए इसके ऊपर आपको क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको सेंड OTP का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्लिक चेक योर मोबाइल, तो मेरे पास अभी एक OTP आएगा। उसका माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरा मोबाइल नंबर मेरे आधार से पहले से लिंक है, शायद इसीलिए OTP यहाँ पर मेरा नहीं आ रहा है। मैंने आधे घंटे तक इंतज़ार किया वीडियो पास करके, फिर भी मेरा OTP नहीं आ रहा। चलिए मैं आप लोगों को प्रोसेस यहीं से बताने की कोशिश करता हूं और आपको आपको जब आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा तो आपको OTP पे यहां पे उस OTP को डाल देना है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको कंफर्म करके आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको पेमेंट नाउ पे क्लिक करके आपको 50 रुपया डेबिट या नेट बैंकिंग के जरिए जो भी आप कटवाना चाहते हैं पैसे को अपने बैंक से, उसको आप चूज करके आप जब 50 रुपया कटवा देंगे तो वहाँ पे आपको एक URN नंबर मिला जाएगा, आपने एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है। वो नंबर आपका ये होगा कि आपने पेमेंट कर दिया है, परंतु आप उसका स्टेटस पता कर सकते हैं कि आपने जो काम किया है वो हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप उसका स्टेटस पता करने के लिए यहाँ आपको चेक आधार रिप्रिंट स्टेटस का आपको ऑप्शन मिलेगा। जब आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं चेक रिप्रिंट स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है और जो वहाँ पे आपको नंबर दिया जाएगा उस नंबर को आपको यहाँ पे डायल करना है। देखिए यहाँ पे
SRN नंबर दिया है, 28 डिजिट का होगा वो, उसको डायल करना है और आपका आधार नंबर और कैप्चा को फिल करके चेक स्टेटस का आपको यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसके क्लिक करने से आपको ये पता चल जाएगा अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार पर लिंक कर दिया गया है तो यहाँ पर उसका मैसेज आपको पढ़ने को मिल जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये?